हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि जीके के में हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे उसमें भी मैं आपको आर्टिकल 395 जितने आर्टिकल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से या जहां से पूछने के चांसेस है उसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था जहां पर मैंने आपको करवा दिया था आर्टिकल नंबर इक्यावन तक फिफ्टी तक करवा दिए थे अगर आपने वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा नहीं देखे तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा

ध्यान रखिएगा बड़ा ए है छोटा ए और बड़ा ए में क्या अंतर होता है मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था ओके तो ये है आपका इक्यावन ए जिसको कौन सा है आपका ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मूल कर्तव्य हैं तो हमारे जो ग्यारह मूल कर्तव्य हैं या फिर इसको क्या कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जिसके अंदर आपके तीन शब्द ज्यादातर आते हैं समाजवाद धर्म निरपेक्षता और अखंडता ये तीनों चीज इसके अंदर है इसलिए आपको क्या कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है यानी कि जो पूरा संविधान है उसका छोटा रूप इसको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से लिया गया था तो मैंने बताया भी था ये आपका रशिया से लिया गया था ओके इंग्लिश हिंदी में इसको मूल कर्तव्य अब बात कर लेते हैं आखिर है क्या कब जोड़ा गया था तो देखिए हमारे ग्यारह मूल कर्तव्य हैं ग्यारह की जगह पहले दस थे अब ग्यारह है कब कैसे चेंज हुआ था वो उसके बारे में

अपने संविधान के अंदर जोड़ सकते हैं तो इसके लिए जो संशोधन तो तो है, है तो इक्यावन ए के अंदर है जो की हमारा उन्नीस में सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर या उनके संशोधन प्रक्रिया के द्वारा इसमें जोड़ा गया था जो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया नंबर है आपकी बयालीसवीं फोर्टी ओके हमारे मूल कर्तव्य चीजों की रक्षा करना जैसे कि कूड़ों का ना फैलाना सरकारी दो हजार दस थी, लेकिन 2010 के बाद, बाद क्युं? प्राथमिक शिक्षा जो आपकी होती है वो आपका क्या है हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जरूर प्रदान की जाएगी ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य ही जोड़ दिया गया है जो आपकी प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चे का क्या बना दिया गया मूल कर्तव्य बना दिया गया वही आपका ग्यारा मूल कर्तव्य था जो कि 2010 में जोड़ा गया था ओके तो ये था हमारा इक्यावन ए फंडामेंटल ड्यूटी से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट बात करें आर्टिकल चौवन के बारे में तो आर्टिकल चौवन क्या है आपका तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसके बारे में इसमें कहा गया है तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ अलग शर्तें होती हैं कुछ अलग एलिजिबिलिटी होती है एलिजिबिलिटी इसके बाद आर्टिकल में है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन जो इलेक्शन ये होते हैं ना ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई आम जनता नहीं चुनती है इनको ध्यान रखिएगा जनता केवल लोकसभा और विधानसभा वाली बात होती है लेकिन इलेक्शन जब भी प्रेसिडेंट को होते हैं उसमें आपकी जनता का कोई भी निर्णय नहीं होता है राष्ट्रपति चुनने के लिए कौन होते हैं एमपी और एमएलए होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा होता है एमपी और एमएलए के द्वारा होता है और इनकी जो चुनाव होते हैं इनका जो वोटिंग सिस्टम होता है उसको क्या कहा जाता है तो सिंगल ट्रांसफेबल वोटिंग सिस्टम ध्यान रखिएगा इंग्लिश में बड़ा अटपटा सा नाम है इसका इसलिए मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में इनका बड़ा अटपटा सा नाम है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ क्या है सिंगल ट्रांसफेबल वोटिंग सिस्टम जो होती है वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो आम चुनाव होते हैं उसको क्या कहा जाता है तो द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम यानी कि पहला यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कहा जाता है जैसे कि हमारे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आउट और जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफेबल वोटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा डायरेक्टली ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें अठावन की तो फिफ्टी एट में क्या लिखा है अगर आप 35 वर्ष के हो तो राष्ट्रपति बनने योग्य हो आपकी क्षमता है नहीं तो नहीं हो भारत का नागरिक हो यानी कि जो भारत का नागरिक है वो भी होना चाहिए उस पर किसी भी प्रकार का कोई केस ना चल रहा हो यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम उसके ऊपर केस हो यानी कि चल रहा हो या साबित हो गया हो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए सरकारी कर्मचारी हो तो अगर आपने देखा भी होगा कि कई जो होते हैं सरकारी कर्मचारी भी होते हैं और वो राष्ट्रपति का चुनाव भी जाकर लड़ते हैं तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो वहां पर क्या ले सकते हो तो वहां पर आप लीन पद ले सकते हो यानी कि आपको एक लीन पद होता है एक लीन आपकी एक कानूनी कार्रवाई होती है तो वहाँ पर आपके जो सरकारी पद है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जांपल ले लो कि आप सर गवर्नमेंट टीचर बन गए हो आप अगर आपको प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने हैं तो पहले आपकी उम्र पैंतीस वर्ष होनी चाहिए दूसरे भारत भारत के भारत के नागरिक होने चाहिए तीसरे आपके पर किसी भी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए और चौथा आप सरकारी जॉब में हो जैसे कि अभी आप टीचर हो तो आप क्या ले सकते हो लीन पद ले सकते हो जिसमें आपका गवर्नमेंट क्या करेगी दो साल तक इंतजार करेगी दो साल तक आपको टीचर की जॉब से नहीं हटाया जाएगा दो साल तक आपको इंतजार करेगी अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन जाते हो तो वहां पर, पर त्याग पत्र आप राष्ट्रपति नहीं बनते हो तो उसके साथ साथ में अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो तो ना ही आपके ऊपर कोई दिवालिया होना चाहिए आपका मानसिक रोग नहीं कि होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का पागलपन होना चाहिए तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति की क्या है आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट है आपका आर्टिकल सिक्सटी वन इकसठ इकसठ में क्या है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग क्या होता है तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जब भी किसी चीज का गलत दुरुपयोग करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा उनको महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है जब अपनी वो पद का दुरुपयोग कर रहे हो तो ओके जो कि एक नाइजीरियन आपका कर भी रहे थे जो कि अपने जो राजकोष होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो खजाना होता है वो अपनी वाइफ की शॉपिंग वगैरह महंगी महंगी करवाने के लिए उनके लिए खर्च कर रहा था जिसके कारण देश ने लोकसभा जो उनकी वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने महाभियोग लगाकर हटा दिया गया था उनको राष्ट्रपति को अब तक ये भारत के अंदर नहीं लगा है किसी भी राष्ट्रपति के अंदर ध्यान रखेगा ऊपर ओके इसके अंदर कानून क्या है तो पहले ध्यान रखिएगा अगर महाभियोग लगाना है आपको राष्ट्रपति के ऊपर तो वो आपका कोई भी लगा सकता है मतलब दोनों में से कोई भी सदन लगा सकता है चाहे वो आपका राज्यपाल हो या लोकपाल हो तो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इम्पीचमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर कौन महाभियोग लगा सकता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों लगा सकती है और लगाने से पहले क्या करना होता है उनको चौदह दिन पहले नोटिस देना होता है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से दिन पर उनको नोटिस देना होता है तो, हो तो के चौदह के बारे में यहां पर लिखा गया है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले कुछ जानकारी दे देता हूं और फिर उसके बारे में बात करते देखिए अगर उपराष्ट्रपति है तो अगर नहीं है तो आपके चुनाव करने होते हैं और छह महीने के अंदर अंदर आपको उपराष्ट्रपति के लिए उनको चुनना होता है लेकिन अगर आपके राष्ट्रपति यदि मर जाते हैं यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है जैसे कि एफ थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तो वो अगर किसी रा... राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्यकाल होता है उनका जो समय होता है राष्ट्रपति का उसके अनुसार उस कार्यकाल में कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो उपराष्ट्रपति ध्यान रखिएगा उप हो वो अपने आप ही राष्ट्रपति बन जाते हैं यानी कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे राष्ट्रपति की दुर्घटना दुर दुर में किसी में मृत्यु हो गई है तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाते हैं ओके और उपराष्ट्रपति उप क्या होते हैं वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक और पद को संभालते हैं यानी कि एक ऐसा सरकारी व्यक्ति क्योंकि उपराष्ट्रपति भी सरकारी व्यक्ति है ऐसा एक सरकारी व्यक्ति जो एक सरकारी नौकरी उपराष्ट्रपति की एक नौकरी ही मानो एक नौकरी पर होने के बावजूद एक दूसरी नौकरी ले काम कर सकता है दूसरी पोस्ट पर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर बन जाते हो तो आप टीचर के बनने के साथ साथ जैसे कि दिल्ली पुलिस में थे आप पहले दिल्ली पुलिस से आप टीचर बने हो तो आपको दिल्ली पुलिस की जॉब छोड़नी पड़ेगी फिर जाकर आपको टीचर की जॉब लेनी पड़ेगी आप एक ही साथ में दोनों पद पर नहीं रह सकते हो लेकिन उपराष्ट्रपति एक ऐसे हैं एक उपराष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी दूसरे पद पर वो कार्य करते हैं तो दूसरा पद कौन सा है वो तो राज्यसभा के स्पीकर ध्यान रखिएगा राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं हमेशा ओके इसलिए उनको क्या कहा जाता है एक्स ऑफिस चेयरमैन कहा जाता है क्यों? क्योंकि एक पद पर होने के बावजूद दूसरे पद पर ये काम करते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर तो है ही और दूसरा ये आपके राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं उनके रूप में भी ये काम करते हैं ओके तो ध्यान रखिएगा ये केवल हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति को ही कानून है कि एक पद पर हो सरकारी पद पर होने के बावजूद भी दूसरे पद पर वो कार्य कर सकते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा कार्य करते हैं तो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी कि आपके अध्यक्ष होते हैं उस पर आप उस पोस्ट पर ये कार्य करते हैं ओके नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा बहत्तर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्यों इसका मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आपका जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा आपका क्षमादान की शक्ति होती है उनके पास इंग्लिश में बोल सकते हो प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द पावर टू पार्डन अंडर आर्टिकल 72 इसके अंदर क्या होता है तो देखिए जो राष्ट्रपति है उनके पास इतनी शक्ति है इतना उनके पास कानून का अधिकार है कि अगर आपके ऊपर किसी को फांसी हो रही हो ध्यान रखिएगा किसी को तो फांसी हो रही हो अगर आपको उस फांसी को रुकवाना चाहते हो या हटवाना चाहते हो या अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो आप अपनी अपील लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हो अगर राष्ट्रपति ने उसकी सजा कम करने के लिए उसकी सजा माफ़ करने के लिए कोई भी अधिकार या कोई भी कानून या कोई भी को आपके द्वारा आपको कुछ दिया गया है या उनके द्वारा बोला गया है तो वो हो सकती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ये समाधान की शक्ति होती है लेकिन अपने विवेक से किसी की भी फांसी या सजा को कम या क्षमा कर सकते हैं किसी के प्रेशर में नहीं अपने स्वविवेक से आपको भी पता है मुंबई के अंदर जब वो कसाब ने काफ़ी सारे हमले करवाए थे जब उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से उसको फांसी की सजा दी गई थी तब उसकी जो याचिका जो उसके वकील थे उसकी याचिका लेकर गए थे प्रेसिडेंट के पास उसकी फांसी को रुकवाने के लिए लेकिन राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया कह नहीं इसको फांसी ही होगी तो वो आपके राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्षमा करेंगे ये नहीं करेंगे लेकिन उनकी जो क्षमा करने की योग्यता है उनके पास प्रॉपर रूप से होती है तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 72 तक हमने कर दिया नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 74 से ओके इसके आगे वाले आर्टिकल से यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपके राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी सैलरी क्या है तो ध्यान रखिएगा पहले जो राष्ट्रपति की सैलरी थी वो आपकी ढाई थी अब उनकी बढ़ाकर राष्ट्रपति की सैलरी कितनी कर दी गई है पर मंथ पांच लाख सैलरी है राष्ट्रपति की ओके तो कुछ सैलरीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं दूसरे उनकी सैलरी क्या है तो चीफ जस्टिस की होती है दो और बाकी जजों की होती है ढाई लाख या फिर आपके हाईकोर्ट के चीफ जज की कितनी होती है तो ढाई लाख होती है और

जरूर करूंगा तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय जाए भारत